हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकीपीडिया। टिकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीवो ने अपना लेटेस्ट नया स्मार्टफोन फाइनली वीवो Z1 Pro इंडिया में लॉन्च कर ही दिया, जिसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन और क्विक अनबॉक्सिंग की बात करेंगे। तो जिसमें इसमें सारे फीचर्स के बारे में बात करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको वीवो Z1 Pro के बारे में सारा फीचर, सारे स्पेक्स और सारा क्या आपको अच्छा मिलने वाला, क्या आपको बुरा मिलने वाला है, क्या आप ये स्मार्टफोन आपके लायक है या नहीं है, क्या आपका रिक्वायरमेंट जो था वो आपको इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में जो आपको Vivo Z1 Pro में मिलता है। इसमें AI इनेबल काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलता है। तो यहाँ पे AI टर्बो मोड यानी कि नेट कनेक्टिविटी इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे या फिर अपलोड करेंगे किसी वीडियोज़ को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो काफ़ी स्पीड होगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और काफ़ी स्मूथ होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए, जो AI कूलिंग दिया गया है। जब भी आप गेम खेलेंगे, ज़्यादातर तक आप गेम खेल सकते हैं, आपको यहाँ पे हीट फील नहीं आने का, यानी कि इसमें स्मार्टफोन ये जो है Vivo Z1 Pro जल्दी हीट नहीं होगा। उसको दोस्तों इसमें आपको गेमिंग के लिए एक से अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया गया है, जिसमें आप गेम खेलेंगे तो अलग से यहाँ पे वर्क करेगा, जिसमें फ्रेम ड्रॉप कम से कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर। और पबजी के साथ इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया था, यानी पबजी को स्पॉन्सरशिप किया था Vivo Z1 Pro में, जो अभी इंटरनेशनल प्ले हुआ था वहाँ पे Vivo Z1 Pro ने स्पॉन्सरशिप किया था। तो यानी कि गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन स्पेशलिस्ट बनाया गया है और जी कैटेगरी में रखा गया, यानी कि यूथ को मद्देनजर रखते हुए इस स्मार्टफोन को बनाया गया है। उसको दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलेगा, जो कि इंडिया में सबसे पहला कोई स्मार्टफोन है जो आपको स्नैपड्रैगन 712 के साथ में आ रहा है। साथ में आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज मिलेगा, जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस होगा लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास। और जो ओरिजिनल प्राइस होगा आपको नीचे पिन कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। एक और वेरिएंट आएगा इसका, जिसका स्टोरेज वेरिएंट होगा 6GB रैम, 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा। आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि आप मेमोरी कार्ड को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से इजिली कर सकते हैं। साथ में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल इंजन वीवो का स्पेशलिस्ट है, यानी कि फास्ट चार्जिंग जो होगा वो भी काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी अच्छा चार्ज करेगा और डेफिनेटली 5000 mAh बैटरी है तो आपका ये 2 दिन तो अप्रॉक्स चल ही जाएगा। दोस्तों, इस फोन के दूसरे और फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4G वाइब्रेशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप गेम खेलेंगे तो कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट करेगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा फील देके जाएगा। उसका 3D सराउंडेड साउंड भी मिलेगा, जब भी आप गेम खेलेंगे गोली या फिर कुछ भी म्यूजिक आता है तो आपको सराउंडेड साउंड मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आपका जो एनवायरमेंट है वहाँ पे चारों तरफ से वो साउंड आ रहा है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा, आपके गेमिंग को परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस और ज़्यादा बेटर कर देगा। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले कैमरा मिलने वाला है, 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में फिलहाल कौन सा प्रोटेक्शन होगा, नहीं होगा, सुपर एमोलेड है या नहीं है, ये सब कुछ भी डिटेल नहीं आया है, लेकिन जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो डिसेंट है, क्योंकि दोस्तों स्पेशली जी यानी कि यूथ को मद्देनजर रख के ये स्मार्टफोन बनाया गया है। साथ में कैमरे की बात करो तो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। जी दोस्तों, आपको 3 कैमरा मिलेगा, 16 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसका एपर्चर f/1.78 दिया गया है। उसके बाद आपको 8 MP का 120° वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, यानी कि आप ग्रुप में भी अच्छे से अच्छा पिक्चर ले सकते हैं। साथ में आपको 2 MP का आपको बुके मोड यानी कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा काफ़ी इंप्रूव है, 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि इन डिस्प्ले कैमरा है, पंच होल कैमरा है, यानी कैमरा के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट होने वाला है। कैमरे के बारे में और भी रिव्यू बहुत सारे बड़े बड़े टेक यूट्यूबर ने ऑलरेडी बना दिया, अनबॉक्सिंग उनका नहीं आया। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे पूरा उम्मीद है कि Vivo Z1 Pro के बारे में सारे स्पेक्स, सारे फीचर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है वीडियो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल, बाय।